जी नेहरका जी, टीवी से बॉलीवुड में बहुत बहुत स्वागत है आपको। शो को भी इस तरह प्यार मिल रहा है और सबसे बड़ी बात आप लोग काम को बहुत प्यार मिल रहा है। देखा, एक तरफ मित्तल फैमिली में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, घर नीलामी हो रहा है, पापा जो है हॉस्पिटल में है, फालतू जी है कहीं और फंस चुके हैं मुसीबत में, क्या है बताएं आपको, स्टार्ट किया जाए। बहुत परेशान हैं हम लोग और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं लाइफ में एक साथ, और भगवान किसी को ऐसे दिखा दिखाए तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में है। और आप लोग प्रे करो कि मित्तल फैमिली के साथ सब कुछ अच्छा है। जान के ऐसे करते हैं अब अच्छे लग रहे, सही आप बताओ। हाँ जी काकाश भाई, बताइए क्या चल रहा है सिख में। बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है जो आप देख रहे हैं और बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है मित्तल फैमिली, और हम चाहेंगे आप लोग प्रे करो कि ये बुरा वक्त ये मुश्किलें ख़त्म हो, और आयान और फातू के लिए भी टाइम ये ख़त्म हो और उससे फाइट करके। देखा जाए फालतू जी है, फालतू जी भी आपको हर कदम पे साये की तरह आपके साथ है। हाँ, कभी कभी डर जाता है। इतनी प्यारी भूत एनीवे। हाँ तो मैं तो मार्ट साहब के साथ ही हमेशा अपन मार्ट साहब। भूत नहीं, ठीक है व्हाटएवर। अरे मैं कह रहा हूँ भूत नहीं। आपने कहा भूत नहीं। चलो ये तो मस्ती होता ही रहता है। यार ये सब तो हो गई मस्ती की बात है, अभी सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि बाबा और दादी साहब दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और जब आपके कोई लव्ड वन ऐसी हालत में और आपके पास पैसे नहीं है, बताओ उनका इलाज करवाने के, इससे बुरा क्या ही हो सकता है। आपके पास ही बहुत पैसे हैं बट हम कुछ कर नहीं पा रहे। देखो सौ बात की एक बात, हमारे पास पैसे नहीं है तभी हम रूहान से मांगने आए हैं। मांगने आए हैं हम, नहीं हम बात किया जाए। आप पापा के प्रति बहुत लगाव है, पैसा बिल्कुल आप लोग काम इतने अच्छे कर रहे हैं कि आप लोग ऐसे प्यार मिल रहे पब्लिक को, कूट कूट करके मिल रहे आप लोग को। तारीफ कर रहे हो, पैसे नहीं देते। हाँ ये तारीफ की थोड़ी, हम इलाज करवाएंगे लोग पैसे पैसे आप पैसे के साथ साथ पता है मान सम्मान और लोगों को दोस्तों को प्यार मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। तो आपको दोनों चीज मिल रहे हैं आपको। तो देखा जाए आपका पापा एडमिट है, आप इस तरफ देखा जाए उनके फालतू से पूछो, उनको बोला कि आपका करियर आपको दांव पे लगाना पड़ेगा, इनको घर देखना है या क्रिकेट देख रहे हैं। फालतू के पास दो ऑप्शन दिए हैं रुहान ने, या तो अपनी परिवार की खुशी देख ले अपना क्रिकेटर बनने का सपना, तो फालतू को एक चुनना पड़ेगा, बट फालतू बीइंग फालतू परिवार की खुशी चुनेगी, तो वो कैसे क्या करेगी वो सब आपको देखना पड़ेगा रात 9 बजे स्टार दस पर। थैंक यू। आखिरी में अपना फैंस के लिए दोनों क्या बोलना चाहते हैं? फैंस को यही कहेंगे कि आप लोग बहुत प्यार करते हो हमें और हम भी आपको। आप लोगों के साथ में पूछना था मैं, कभी साथ में आप दोनों के म्यूजिक एल्बम कभी देखने को मिलेगा ऑडियंस को, म्यूजिक एल्बम या कुछ और? जरूर, आप बहुत स्वीट हो, आप ऐसी दुआएं करते रहो हमारी और थैंक यू। दिस इज आकाश आहूजा। हाय दिस इज निहारिका चौक से, टीवी से बॉलीवुड। थैंक यू, जैसे आप लोग मुस्कुराते रहिए।